कोरोना वायरस संक्रमण और लॉकडाउन के दौरान नागरिकों को सुरक्षित रखने के लिए जहां एक तरफ पुलिस, चिकित्सा विभाग सहित प्रशासनिक महकमा मुस्तैदी से काम करने का दावा कर रहा है, विपरीत परिस्थितियों में काम करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों की सराहना चहुआ हो रही है, तो वहीं दूसरी तरफ इन कोरोना योद्धाओं का सम्मान भी किया जा रहा है। होशंगाबाद जिले की सिवनी मालवा तहसील में कोरोना योद्धाओं में महिला शक्ति के सम्मान के लिए बाल कथावाचिका सुश्री अनन्या शर्मा व ब्राह्मण समाज की महिलाएं आगे आई है। अनन्या शर्मा सहित महिलाओं ने पहले तो आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का सम्मान करते हुए उनकी भूमिका व कार्यों की सराहना की। इसके बाद सभी लोग अनुविभागीय अधिकारी पुलिस के कार्यालय पहुंची, जहां कथावाचिका अनन्या शर्मा व महिलाओं ने पहले तो एसडीओपी सौम्या अग्रवाल के कार्यों की सराहना की, जिसके पश्चात एसडीओपी सौम्या अग्रवाल सहित महिला पुलिस आरक्षक शानू निवारे, प्रतीक्षा शर्मा, पद्मा जोठे का पुष्पमालाओं से स्वागत करते हुए प्रतीक चिन्ह भेंट किए। एसडीओपी कार्यालय के पश्चात सभी तहसील कार्यालय सिवनी मालवा पहुंची, जहां सभी ने डिप्टी कलेक्टर नितिन टाले, एसडीएम रविशंकर राय, नायब तहसीलदार नीलेश पटेल, नायब तहसीलदार महिमा मिश्रा के कोरोना वायरस संक्रमण के दौर में किए जा रहे कार्यों की सराहना की। इसके साथ ही सभी का पुष्पमालाओं से स्वागत करते हुए प्रतीक चिन्ह भेंट किए। किस उद्देश्य को लेकर आज महिला कर्मचारियों का सम्मान किया? सबसे पहले तो आप सभी को मेरा राधे राधे। इस समय कोरोना संक्रमण काल चल रहा है, तो इस समय नारी शक्ति हैं जो बिना अपना ध्यान रखते हुए, बिना अपने परिवार का ध्यान रखते हुए दिन रात कोशिश कर रहे हैं कि हम सब सुरक्षित रहें। मैं उन सभी को आभार व्यक्त करती हूं और उनको सल्यूट करती हूं। इसलिए आज उन सभी का सम्मान कर मैं बहुत गौरवान्वित महसूस कर रही हूं। और जितने भी नारी शक्ति हैं जो कोविड वॉरियर्स हैं, उन सभी को मैं सल्यूट करती हूं और आभार व्यक्त करती हूं। सभी घर पर रहें, सुरक्षित रहें, सावधानी में ही सुरक्षा है। राधे राधे, जय हिंद, जय भारत।